जहाँ यह गया शहर फाल्गु नदी के किनारे बसे इस शहर को ज्ञान और मोक्ष की धरती कही जाती है। मोक्ष प्राप्ति को लेकर भारत में कई स्थान प्रचलित है, मगर इन सभी में गया का स्थान काफी महत्वपूर्ण है। गरुड़ पुराण के अनुसार इस शहर का नाम गयासुर के नाम पर पड़ा। देह दान देने के बाद गयासुर के मन से लोगों को पाप मुक्त करने की इच्छा नहीं गई और फिर उसने देवताओं से वरदान मांगा कि यह स्थान लोगों को ताड़ने वाला बना रहे। तब से ही यह स्थान मृतकों का श्राद्ध कर्म कर मुक्ति का स्थान बन गया। गया वे आते हैं जिन्हें अपने पितरों को मुक्ति दिलाना होता है। सनातन धर्म के अनुसार सबसे पहले किसी भी मृतक का श्राद्ध किया जाता है और फिर बाद में उसे हमेशा के लिए जब गया छोड़ दिया जाता है तो फिर उनके नाम का श्राद्ध नहीं किया जाता, हालांकि तर्पण अवश्य किया जाता है। कहते हैं कि गया में श्राद्ध करने के उपरांत अंतिम श्राद्ध बद्रिका क्षेत्र में ब्रह्म कपाली में किया जाता है। यहाँ के भगवान विष्णु पितृदेवता के रूप में विराजमान रहते हैं। भगवान विष्णु मुक्ति देने के लिए गदाधर के रूप में गया में स्थित है। गयासुर के विशुद्ध देह में ब्रह्मा, जनार्दन, शिव तथा पितामह स्थित है। अंततः पिंड दान के लिए गया सबसे उत्तम स्थान है। पुराणों के अनुसार ब्रह्म गयान गया श्राद्ध क्षेत्र गोशाला में मृत्यु तथा कुरुक्षेत्र में निवास ये चारों मुक्ति के साधन हैं। गया में श्राद्ध करने से ब्रह्म हत्या, सुरापान, स्वर्ण की चोरी, कुरुपत्नी गमन और उक्त संसर्ग जनित सभी महापातक नष्ट हो जाते हैं। वही यहाँ सीता कुंड स्थित है। इस जगह पर कभी पुरुषोत्तम श्री राम अपने पितरों के मोक्ष के लिए आए थे। उनके पितरों को कौन दिलाया मोक्ष, किसके सामने कराया गया पिंडदान और किसे और क्यों मिली सीता से श्राप, इसके बारे में जानते हैं यहाँ के पंडित मुन्ना पांडे जी से। किन चीजों के लिए खासकर मशहूर है गया? तो सर जी, ये 45 जगह में पिंड होता है, 45 जगह का महत्व अलग अलग है। हम लोग जो यहाँ पर हम लोग हैं, जहाँ पर हम हैं वहाँ का महत्व बता देते हैं कि जो सीता मैया राम जी भगवान शुक्राचार्य को जो पिंड प्रदान किए थे, तो इस जगह है नाम राम गया वेदी में आप खड़े हैं। यहाँ पे रामचंद्र जी, सीता मैया, भगवान दशरथ राजा को जव के आटे का इस जगह पर पिंड प्रदान किए थे। यहाँ पे राम जी, लक्ष्मण जी, सीता मैया तीनों आए थे अपने माता पिता दशरथ जी को पिंड दान देने। तो उनके पास कोई पूजन सामग्री नहीं था, बोले कि आप यहाँ बैठिए, हम पूजन सामग्री व्यवस्था करते हैं जो पिंड दान देंगे। सीता मैया को भगवान जी नदी के किनारे बिठा करके राम लक्ष्मण जी गए बाजार सामग्री लाने। सामग्री लाने में थोड़ा देर हुआ तो दशरथ जी ने हाथ निकाले। दशरथ जी ने बोले कि सीता हमको पिंडदान दे दो, मेरा मुक्ति मिल जाएगा। सीता जी बोले मेरे पास तो कुछ है नहीं, मेरे पास तो कुछ नदी का रहती है, इस चीज का हमारे पति देव बाजार गए हैं, वहां आएंगे सब परिवार मिलकर आपका पिंड देंगे। बोला नहीं नहीं, आप हमें पिंडदान कर दीजिए, मेरा मुक्ति हो जाएगा। तो सीता जी ने भगवान दशरथ जी को जो नदी का रहती था उसको पिंडदान दे दिए। तीन पिंडदान दिए अपने पितर लोग का नाम से, सभी के नाम से। पांच लोग साक्षी भी माने, गौ, ब्राह्मण, तुलसी, फाल्गु नदी और वट वृक्ष। ये पांच को साक्षी मान के सीता जी उनको पिंडदान दिए, उनको लेके मुक्ति मिल गया, वो उद्धार हो गए। बोले मेरा उद्धार हो गया बेटी, आपका भी सब परिवार का कल्याण हो, मेरा बेटा जी भी आएगा, तो आप बोल देना कि मैंने पिंडदान कर दिया, आपके हाथ से हमारा मोक्ष लिखा था वो मेरा हो गया, अपना प्रस्थान कर जगह पर जाएंगे। भगवान दशरथ जी कह करके चले गए। इतने में थोड़ा देर में रामचंद्र जी आए, लक्ष्मण जी आए, बोले चलो पिंडदान करो। सीता जी बोले मेरा पिंडदान तो हो गया प्रभु, ये पांच लोग देखे हैं पिंडदान देते, आप इनसे पूछिए। भगवान जी तो जानते थे क्या है नहीं है, फिर भी भगवान पूछे, ये नदी से पूछे, नदी का नाम है फाल्गु नदी, इनसे पूछे कि आप देखे मेरा पत्नी को पिंडदान दिए भगवान दशरथ जी को। इनको लगा कि भगवान नरक पर बैठ के पिंडदान करेंगे तो मेरा महत्व बढ़ जाएगा, ये सोच के नदी बोले कि हम लोग नहीं देखे प्रभु। इनको समय स्थापित किए थे कि बारिश में जल रहेगा, बाकी दिन नहीं रहेगा। ब्राह्मण जी को लगा सीता जी पिंडदान दिए कुछ दक्षिणा नहीं दिए, रामचंद्र जी पिंडदान करेंगे फिर से दोबारा तो कुछ प्राप्ति होगा, ये सोच के पंडित जी बोले कि हम लोग नहीं देखे प्रभु। पंडित जी को बोले आपको दक्षिणा मिलेगा पंडित जी, शादी विवाह पूजा पाठ हमें जो भी यहाँ पिंडदान भी लोग आएंगे करने के लिए आपको दक्षिणा देंगे, मन में आपको संतुष्टि नहीं होगा। तीसरा है गौ माता। गौ माता को लगा सीता तो बालू का पूजा दिए, ये खाने पीने का चीज नहीं है, भगवान जी आटे का पूजा करेंगे तो खाने को मिलेगा, विसर्जन होगा, ये सोच के गौ माता बोले कि हम नहीं देखे प्रभु। गौ माता को बोले कि आपको
मुख का पूजा नहीं होगा, आपका पूछ पकड़ के लोग पूजा करेंगे। तुलसी जी को बोले कि आपको गंदा स्थान में जन्म होगा। एक वट वृक्ष बोले जो उस पार में है, उनको आशीर्वाद दिए। वो बोले कि हम देखें कि आप लोग बाजार गए, दशरथ जी ने हाथ निकाले, सीता जी ने पिंडदान दिए, उनको उनको आशीर्वाद दिए, जब तक सूर्य चंद्रमा रहेगा तब तक आपका पूजन होगा। तो भगवान ने जो सामग्री लेकर आए थे यहाँ, सीता जी राम जी ने भगवान दशरथ जी को दोबारा जव कैटे कर दिया। इस जगह का नाम है राम गया बेदी सीता राम कुंड कहते हैं। अभी ये मेन मंदिर है, यही यहाँ का महात्मा है, यहाँ का मंदिर है। अपना ले जाइए जहाँ से भक्ति करो भगवान का नाम करो। गया को मोक्ष की धरती भी कहा जाता है जी, मोक्ष धरती का है ही। जब से भगवान आए पिंडदान दिए, भगवान जानते थे कि हम पिंडदान करेंगे तो सबको फायदा होगा। जैसे विष्णु भगवान आए, खास करके गयासुर के लिए आए, भाई गयासुर के लिए, गयासुर बहुत बड़ा पवित्र था, वो तो बहुत अच्छा था, उनके पास इतना भगवान के नाम लिया उसका शरीर पवित्र हो गया, उनके ऊपर देवी देवता लोग जग करने के लिए बैठे। वो बोले कि भाई जग तो करने में अच्छा बात है, जग तो कीजिए, उसके बाद भगवान को आह्वान किए कि आप भी कम से कम मेरे ऊपर चरण रखिए, मेरे सिनाय के ऊपर में चरण रखे। तो भगवान विष्णु जी उनको जगह, भगवान विष्णु का चरण उनके ऊपर रखे, सबको फायदा है। जो भी लोग आ रहे हैं भगवान चरण रखते हैं, उनका मुक्ति मिलता है, सुख शांति मिलता है, धन पुण्य भक्ति मुक्ति सब कुछ मिलता है। तो भगवान आए तो सबका कल्याण हुआ, आज भी कल्याण हो रहा है, कल भी कल्याण होगा। यहाँ कितने घाट हैं आप जो बता रहे थे कि 45? क्या 45 जगह पिंडदान होता है, जैसे प्रेसशिला है, रामशिला है, ब्राह्मण कुंड है, कागबली है, धर्मारण है, सब जगह अलग अलग है। ये सीता कुंड है, राम गया है, सबका अलग अलग स्थान है। पूजा पाठ बहुत दिन लगाते हैं, जो भी लोग यहाँ पिंडदान भी करने आते हैं ना, तो पिंड को लाके भगवान के चरणों में पितृलोक को बैठाते हैं। उसी के बाद लोग कुछ मांगते हैं, 10 रुपया, 5 रुपया, 20 रुपया, 150 भी मांगते हैं, देने वाला देते हैं, नहीं देने वाला कोई ऐसा नहीं है, वो तो जो खुशी का दान है। खास कर ये पितृपक्ष में यहाँ काफी भीड़ भाड़ होता है। पितृपक्ष में मेला बहुत ज्यादा होता है, ये शुरू से होते आया है ना, शुरू से होते आया है, तो आज भी हो रहा है, कल भी होगा। ऐसे लोग तो आप रोज दिन आते हैं पिंडदान करने के लिए, रोज दिन आते हैं, चाहे वो बंगाल के हो, चाहे गुजरात के हो, चाहे पंजाब। उस समय खास महत्व होता है, उस समय खास महत्व है, पितृपक्ष उनका नाम ही है। पितृपक्ष मेला आश्विन मास में 15 दिन अभी चालू होने वाला है, 1 तारीख से शुरू हो रहा है, जो 15 तारीख को समाप्त हो रहा है।